सवाल ये है कि जैसे नमाज की नियत बांधती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो छोटे बच्चे हैं इनके और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो नमाज उनको तोड़कर बचाया जा सकता है। तो अपनी नमाज पढ़ने से पहले उन बच्चों को तरावियों में खड़ा कर दिया करें अलग अलग, ताकि वो अपनी नमाज में बिज़ी रहें। बच्चों के लड़ने पर सूरत में नमाज तोड़ी जा सकती है कि जब एक जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक डॉन किस्म का हो, कि अगर आपने नमाज नहीं तोड़ी तो वो कट्टा निकाल के उसको लुढ़का देगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, या कोई ऐसी नुकीली चीज़ उसके हाथ में है, डंडा वगैरह जो मार देगा और ख़तरा है, तो फिर ऐसी सूरत में बचाया जा सकता है। बेहतर यही है कि दोनों को अलग अलग नमाज के वक्त रखा जाए या एक को सुला दिया जाए। लेकिन अगर नुकसान का ख़तरा लग रहा है किसी एक बच्चे को, तो उसके वजह से नमाज़ को तोड़ा जा सकता है। और अगर वैसे ही उनकी रोज़ का ड्रामा है, ये लड़ना आपस में झगड़ना, फिर खामोश हो जाएंगे, तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ मुकम्मल की जा सकती है।